अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन एक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, हम अपने लेसन एक्स का आगाज एलईडी प्रोजेक्शन के साथ करेंगे। जी, हम देखते हैं हमारे पास एलईडी प्रोजेक्शन में कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। हमारे पास है एक्समस ट्री, ज़ाइलोफोन, एक्स बॉक्स और एक्सरे। जी, आप बारी बारी करके पिक्चर्स बच्चों को दिखाइए। आस्क सिंपल क्वेश्चंस एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू गिव यू आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यू आस्क। सो प्लीज मेक श्योर आस्क वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें WH के बेतहाशा सवाल होने चाहिए, यानी कि व्हाट से हट के वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के पास जाने चाहिए आपकी तरफ से, ताकि बच्चा कुछ सोचे और इंटरेस्टिंग जवाब दे सके आपको। तो आज हम बात करेंगे एक्सरे की। जी, तो डियर चिल्ड्रन, टेल मी व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। यस, इट इज एन एक्सरे। वेरी गुड, आई लाइक दैट चाइल्ड, यू नो व्हाट इट्स एक्सरेज। अच्छा, इफ आई आस्क यू हु टेक्स एक्सरेज, शाबाश, वी गो टू द डॉक्टर फॉर एक्सरेज। अच्छा, अब मैं अगला सवाल मुझे सोच के बताना, व्हाई डू वी हैव टू टेक एक्सरेज। जब चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है। वेरी गुड, अब इसी के बारे में मुझे ज़रा एक बात तो बताओ कि हमें अपनी स्किन नज़र आ रही है, सबको स्किन नज़र आती है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे स्किन के अंदर जो बोन है और जो मसल्स हैं और जो वेन्स हैं वो नज़र आने आती हैं आपको, नहीं नज़र आती ना वो, तो अब हमने अगर वो देखनी हो तो वो हम कैसे देखेंगे। बिल्कुल, हम एक्सरे के ज़रिए देख सकते हैं। अब अगर कोई किसी को चोट लगी होती है, मोच आ जाती है, तो हम पहले एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं, ऐसे ही है ना। जी, तो अब एक्सरे होता कैसे है, एक एक्सरे मशीन होती है, उस एक्सरे मशीन के अंदर से एक बीम निकलती है, यानी लाइट रेज निकलते हैं, वो रेज हमारी बॉडी से पार होके निकलती है, जिससे तस्वीर खींच लेते हैं वो, और फिर उस तस्वीर को हम ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल इस तरह से हमारे सामने आ जाता है, और फिर डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो हमें मेडिसिन दे देता है। जी डियर टीचर्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दीजिए एक्समस ट्री के बारे में, एक्स बॉक्स के बारे में, ज़ाइलोफोन के बारे में और एक्सरे के बारे में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है वो भी दीजिए। जब आपने बच्चों से अच्छी तरह से डिस्कशन कर ली हो तो फिर साथ साथ ऑब्वियसली बच्चों को नामों के बारे में तो पता चल ही चुका होगा। जी, तो आप नामों के बारे में बात कराइए और साथ साथ उनको बताइए कि द साउंड ऑफ एक्स इज क्स, 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 एक्समस ट्री, क्स, एक्स बॉक्स और क्स, एक्सरे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप ध्यान दिया हो आपने तो मैंने ज़ाइलोफोन नहीं निकाला, क्योंकि ज़ाइलोफोन में एक्स की आवाज़ मुख्तलिफ आती है। तो हम बच्चों को बताने के लिए ज़रूर बोलेंगे कि ज़ाइलोफोन स्टार्ट्स विद द लेटर एक्स, बट साउंड प्रैक्टिस के लिए हम एक्समस ट्री, एक्स बॉक्स और एक्सरे पे फोकस करेंगे। तो अब हम सीखते हैं कि एक्स यानी क्स की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। डियर टीचर्स, यहाँ पे आपके लिए एक नोट है, एक्स की साउंड प्योर साउंड नहीं होती। यहाँ पे दो साउंड्स मिलके एक्स की साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और पहली साउंड जो है इसके साथ वो है के की और दूसरी है एस की, यानी के और एस की साउंड मिलके एक्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हमारे मुंह की फॉर्मेशन, ज़ुबान की प्लेसमेंट उसी तरह से वेरी करती है। तो क्स की साउंड निकालने के लिए आपकी ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा आपके तालू को टच करके रिलीज़ होगा और आप की साउंड निकालेंगी साथ में, यानी कि ज़ुबान दांत बंद करके आप आवाज़ बाहर निकालेंगी तो वो स की साउंड निकलेगी। तो ये बनता है क्स, क्स, यानी कि पिच ज़ुबान की बैक साइड जो है आपके तालू को टच ज़रूर करेगी, जो कि ख की साउंड निकालेगी और वो रुकेगी स की साउंड के साथ, तो ये बनता है क्स, क्स,
ठीक है, यही वाली चीज़ आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे करवाया है। फिर हम चलते हैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। एक्स को लिखने के लिए हम पॉइंट वन से राइट साइड की तरफ एक स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर पॉइंट टू से लेफ्ट साइड की तरफ हम स्लांटिंग लाइन लगाएंगे। फ्रॉम पॉइंट वन वी गोइंग टू मेक अ स्लांट लाइन टूवर्ड्स द राइट साइड, देन फ्रॉम पॉइंट टू वी गोइंग टू मेक अनदर स्लांट लाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और ये हमारी एक्स की शक्ल। जी डियर टीचर्स, एक्स को लिखने से पहले हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्री राइटिंग प्रैक्टिस हमारी वही है, बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी रिस्ट पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, टेबल के ऊपर लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और बारी बारी आके बोर्ड के ऊपर लिखेगा। वंस द राइटिंग प्रैक्टिस इज डन, फिर हम चलेंगे जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराम की वी एक्टिविटी बुक की तरफ। पेज नंबर 76-77 खुलवाइए, कलर्स भरवाइए, क्लास में काम करवाइए और होमवर्क दे दीजिए। फिर हम चलेंगे अपनी असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट के लिए हमारे पास दो किस्म की असेसमेंट्स मौजूद हैं, ओरल असेसमेंट और रिटन असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराम की हुई LED प्रोजेक्शन है। बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए, उनके बारे में सवाल कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ एक्स। ओरल असेसमेंट कराने के बाद हम चलेंगे अपनी रिटन असेसमेंट की तरफ। रिटन असेसमेंट के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं, बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और बच्चों से इंडिपेंडेंटली काम कराइए। और इस काम के दौरान आपने फैसिलिटेशन का मोड ऑन रखना है, यानी आप राउंड लगाते जाइए, बच्चों पे नज़र रखते जाइए कौन सा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, और उन बच्चों की मदद करना मत भूलिए जो आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।